भदौरिया जी, अब दो खबरें हैं। एक तरफ तो महुआ मोइत्रा को लेकर अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने समर्थन किया है उनका, वहीं दूसरी तरफ ये जो कैश की बरामदगी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, मोदी की गारंटी है, दोनों पर टिप्पणी आपकी। देखिए दोनों का मैं जवाब दे रहा हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमेश बिदोड़ी, इसी पार्लियामेंट में पूरे राष्ट्र का अपमान करते हुए पाए गए, जिन्होंने क्या क्या नहीं बोला, संसद का अपमान किया, राष्ट्र का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, क्या उनको पार्लियामेंट से निकाला, क्या उनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया उनके खिलाफ? नहीं किया ना, कोशिश उनको भी तो अपने पार्टी से निकालते, फिर लाते उनको पार्लियामेंट के, उनसे उनकी सदस्यता भी खत्म करते, तो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, कैसे कर सकते हैं? वो बेशक उसको उसको राइट है क्या कि वो हमारे देश के संविधान का, संसद का और राष्ट्र का अपमान करता रहेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, एक पीयूष जैन थे, कानपुर में रेड पड़ी थी, एक एक कितना 195 पता 200 करोड़, 250 करोड़, पता नहीं कितने लाख सोना 2021 में पड़ा था, कहां है भाई उसकी खबर आजकल, कहां है वो? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? न्यू तो हम लोगों ने कहा था बीजेपी का ये पैसा हो सकता है तभी, इसमें कहां है भाई? अब वो गायब कहां है? कहां है वो खबर? क्या हुआ उनके साथ? क्या वो जेल में है, बाहर है, क्या कार्रवाई हुई, बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी, इनके 8 करोड़ एक सांसद थे जिनके घर पाया गया था, क्या की कार्रवाई, निकाल दिया उनको इन्होंने? नहीं निकाला। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को किसी के जो विपक्ष के नेता है उनको टारगेट करने का काम है, उनको ये टारगेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाना, ये चाहते हैं विपक्ष के नेताओं से कुछ भी मिला उसको हाईलाइट करना। लेकिन रमेश बिदोड़ी को भूल जाएंगे, संसद के अंदर में ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ तो चलो आपको खोजना पड़ेगा, भ्रष्टाचार वाला मामला है, सामान लेकर सवाल पूछने वाला मामला है, संसद के भीतर 61 में से 50 सवाल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भदौरिया जी, अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, कमाल की बात करें, पार्लियामेंट में खड़े होके देश के विशेष धर्म को गाली दे रहा है आदमी, गलत है, वो गलत है, गलत है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, गलत है। लेकिन अभी अनुराग भदौरिया जी, महुआ मोइत्रा पर हम लोग टॉप का उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी, जब उनको टॉप का प्रभारी बनाया गया तो हम लोगों ने बातचीत की थी उनके ऊपर, अनुराग भदौरिया जी। अब आप बोलने लगे, अरे इस पर भी थोड़ी बोलने लगे, आप बचाव में आ गए उनके, आप बचाओ में आ गए ना। अनुराग भदौरिया जी, ये रोज रोज का रोना बंद कर दीजिए, आपसे पलट कर कोई सवाल पूछ ले इसका मतलब ये नहीं होता है, तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं, जवाब दीजिए नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अरे तो ये रोज रोज का रोना छोड़ दीजिए अनुराग भदौरिया जी, और पर्सनल टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं मिस्टर अनुराग भदौरिया, पर्सनल टिप्पणी नहीं। सुजाता पांडे जी, सुजाता पांडे जी, सुजाता पांडे जी, मैंने बोलना शुरू किया, आपने बोलना शुरू किया, अभी मेरा मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपका सवाल आने लग गया। हाँ, आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे, मैं नहीं बोलने दूंगी, मैंने शहजाद जी को भी नहीं बोलने दिया, मैंने तहसीन जी को भी नहीं बोलने दिया, व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए दंगल में कोई जगह नहीं है। सुजाता पांडे जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए, वो कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को चुन चुन कर निशाने पर ले रही है सरकार। देखिए चित्रा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब दो दो मामलों की बात हो रही है, एक जो कैश मिला है पूरा अलमारी से भरी हुई तिजोरी से कैश निकलते जा रहे हैं, वो जो आपको शायद ममता बनर्जी का पार्थ चैटर्जी का की याद दिलाता होगा, उस कांड की याद दिलाता होगा। दूसरी बात हो रही है महुआ मोइत्रा की, तो पहली बात जो महुआ मोइत्रा की करूंगी, क्योंकि एक महिला होने का इसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, तो पहली बात तो ये कि महिलाओं का विषय है ही नहीं, ये विषय है एक अनैतिक, अनुचित, असंसदीय कार्य का, जिसमें एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इंटरनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया चंद गिफ्ट के मामले में। दूसरी बात जो कही जा रही कि कैश ट्रेल का पता चला नहीं है, जी हाँ बिल्कुल पता नहीं चला है कैश ट्रेल का, लेकिन यही ये दूसरी रिकमेंडेशन है ये एथिक्स कमेटी की कि कैश ट्रेल का पता लगाया जाए, क्योंकि एथिक्स कमेटी की ये सीमाओं में नहीं आता है कि वो कैश ट्रेल का पता लगाए, और वही आगे की कार्रवाई होगी, और शायद इसीलिए महुआ मोइत्रा जोरदार भाषण दे रही हैं, अलग अलग कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो बात कर रही थी कि अधिकारों की बात वो करे चित्रा जी जो पहले अपने दायित्व को निभाए। सबसे पहले एक सांसद जो होता है पद की गोपनीयता की शपथ लेता है और उसकी गरिमा को बनाए रखने की शपथ लेता है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात वही हो गई है, ये उनके क्वेश्चन से भी दिखता है, उनके आचरण से भी दिखता है, जिस तरह के उन्होंने अपशब्दों की एक झड़ी लगाई हुई थी संसद में, वो तो मतलब जगविदित है। और 65 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अपने अपने लोगों, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उनके लिए नहीं पूछा है,
सिर्फ 4-5 सेक्टर से पूछा है, जो कि इंसिडेंटली, जो कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो उसी का इंटरेस्ट जिसमें अदानी भी है और हीरा नंदानी भी है। तो ये बातें बड़ी गंभीर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इसको आप इस तरह से डील नहीं करेंगे तो ठीक है, कल को तो पैसे देके कुछ भी हो सकता है। एक एक सांसद का लॉग बिल्कुल इन आईडी दुबई हाँ। से एक्सेस अब किया चित्रा जाए, जी बोले, देखिए 40 से देखिए आपने नहीं ज्यादा टोका, बार आप एक्सेस बोलती किए रही। जाए, चित्रा ये बहुत जी आपने गंभीर नहीं मामला टोका ना, है। मैं और बोल रहा दूसरी था आपको बात, कितने, अरे जो कह वो रही है बोलते कि रहे भाई उनको कोई मैं दिक्कत नहीं, विपक्ष ये जो बोलेगा कैश आपको मिला कि है अभी तक झारखंड के आपने कांग्रेस कांग्रेस के किसी नेता टोका के एक यहाँ बात से, नहीं। तो आपको पता है चित्रा जी, जर्मनी के बाद झारखंड सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों में सबसे ज्यादा अमीर अमीर राज्य हो सकता था। वहां गरीबी नहीं हो सकती थी, ठीक लेकिन है 42% से ज्यादा लोग वहां बहुतायत गरीब गरीब है। वो पैसा किसका है? वो पैसा जनता का है, गरीब का है, इनकी तिजोरी में बड़ा हुआ। तो और ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई पे लगाते हैं, ये अदानी ठीक है, अंबानी करते हैं, ये अनुराग मोदी को वगैरह जी क्यों मैं आपके दिखाते हैं? पास आऊंगी। अरे तौसीफ जनता दे अहमद रही है खान जी बहुत जवाब। देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आधे मैंने घंटे आपसे में एक भी एक टिप्पणी बात उनकी नहीं हो पाई है। टोका तौसीफ पूछा जी, था जी, उनकी मुझे बात एक तो ही सही टिप्पणी है, पूछा जी, वो कह रही है आपने फिर एक हर बात किसी पूछा को था अधिकार टोका, मिल आपने जाएगा एक कि वो बात नहीं गिफ्ट सुनी ले टोका पैसे जी, ले और टोका उसके जी बाद सुनिए, सवाल टोका पूछे, जी इससे तो संसद की मर्यादा टोका जी पूरी तरह सुनिए, से टोका भंग हो जी, जाएगी। टोका तौसीफ अहमद खान जी, अनुराग जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, चित्रा और जी आप सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं 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 करेंगे तो नहीं आप ही नहीं के नहीं पास सुनिए, आऊंगी। तौसीफ जी को नहीं डरने बोलने का दीजिए नहीं, प्लीज बस कि हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं सुनिए आ रही हाथ हूँ। जोड़ के निवेदन है, अनुराग जी आ मैं रही आपसे हूँ, सुझाता जी, प्लीज आप हाथ तो मत निवेदन जोड़िए, मैं सुनिए, हाथ निवेदन जोड़ रही हूँ, मैं आ रही सुनिए, हूँ आपके पास। निवेदन निवेदन तौसीफ जी सुनिए, की निवेदन बात हो सुनिए, जाएगी पूरा आपकी देश प्लीज। देख रहा है, अभी सुन लीजिए आप हाथ जोड़ के निवेदन है, सुझाता जी के जब बोल रही थी आपने एक चित्रा बार भी नहीं जी, टोका, मैं चित्रा बोलूंगा देखना जी, आप कितना टोकते हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तौसीफ जी के ये जो बीच में मत फैसला बोलिए, है, प्लीज उनको बोलने दीजिए, ये जो फिर मैं आ रही हूँ। फैसला है अब चित्रा, सुजाता जी प्लीज, तौसीफ जी, तौसीफ जी, अनुराग जी आप वेट कर लीजिए मैं बोल लूं। चित्रा जी देखिए, ये जो फैसला है महुआ मैता के खिलाफ, ये जो एक्शन है उनको पार्लियामेंट से बाहर किया जाना, ये कंगारू कोर्ट का फैसला है। अभी जबकि सब इल्जाम ही सिद्ध नहीं कर पाए बीजेपी, तो ये जुर्म साबित करना तो बहुत दूर की बात है। अभी शहजाद को आपने सुना, उन्होंने बोला कि क्विड प्रो क्वो का केस है। क्विड प्रो क्वो का केस कैसे है? क्या हीरा नंदानी और अदानी दोनों किसी एक टेंडर के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए या गिफ्ट लिए और ले करके कुछ ऐसा काम कर लिया या कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट अदानी को जाना था वो हीरा नंदानी को चला गया? ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। यहां पे टारगेटिंग हो रहा है। टारगेटिंग कैसे हो रहा है कि महुआ मोइत्रा एक अकेली ऐसी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अदानी के खिलाफ खुल करके पूरी मजबूती के साथ संसद में सवाल उठाती आई है कि अदानी कितने सारे करप्शन में इन्वॉल्व है। अब सवाल है कि भाई ये महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अदानी के खिलाफ इतनी खुलकर मजबूती के साथ दिलेरी के साथ सवाल उठा रही, उसको खामोश कैसे किया जाए? खामोश करने का ये कॉन्स्पिरेसी है। आप कहिए कि क्या एथिक्स कमिटी के पास महुआ मोइत्रा से पहले बहुत सारे केसेस पेंडिंग है या पेंडिंग नहीं है? उनके महकमे एथिक्स कमिटी के साथ बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, लेकिन पिछले किसी भी केसेस की कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। खुद बीजेपी के खिलाफ भी और नॉन बीजेपी सांसद के खिलाफ भी एथिक्स केस पेंडिंग है, लेकिन लेकिन उसमें कोई एथिक्स कार्रवाई कमिटी नहीं। पर कार्रवाई सवाल उठाकर खास क्या तौर पे संसद की महुआ मोइत्रा अवमानना पे, नहीं है ये? और वो भी बिना एथिक्स किसी कमिटी रूल पर को तो फॉलो किए, महुआ ना तो मोइत्रा क्रॉस की ओर से एग्जामिनेशन भी का मौका सवाल दिया खड़े गया, कर दिए ना गए। हीरा नंदानी को बुलाया गया, हाँ ना ही सही तरीके से सुना गया, जी, सीधे आप ना ही एथिक्स कमिटी महुआ पर ही मोइत्रा सवाल को खड़े कर रहे पूरा हैं। पूरा अपॉर्चुनिटी दिया गया कि वो अपने डिफेंस को क्रेस करे। आज के डेट में अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट उठा करके फेंक देगा ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो एक्शन है महुआ मोइत्रा के खिलाफ, उठा करके फेंक देगा, क्योंकि ये सरासर लीगली गलत है। लीगली गलत होने के बावजूद भी ताकत के बल पे, बीजेपी के आला लीडर के हुक्म पे ये गैर कानूनी तौर पे महुआ मोइत्रा को निकाला जा रहा है, क्योंकि उनको खामोश करना है, क्योंकि वो अदानी के खिलाफ आवाज उठाती है। अदानी के खिलाफ आवाज उठाने का लेकिन ये जो संघर्ष है वो महुआ मोइत्रा ने खुद बोला ठीक कि है, अदालत के संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, आज वो 45 साल की है, वो अगले 30 साल तक आवाज हाँ उठाती रहेंगी। हर करप्शन के खिलाफ महुआ मोइत्रा अपना आवाज भी उठाएंगी, और पार्टी ने तो उन्हें कृष्णा नगर का प्रेसिडेंट अभी से बना दिया, ठीक तो वो है, कृष्णा नगर से फिर कॉन्टेस्ट करेंगी। ठीक है। अगले 5 महीने बाद महुआ मोइत्रा फिर से इलेक्ट करके शहजादपुरा मेंबर ऑफ वाला जी, आप पार्लियामेंट इस में पर हो जवाब जाएगा, दे वापस दीजिए, आ उसके जाएंगे, बाद और अनुराग बीजेपी जी का मैं फॉरन ये आपके जो पास आऊंगी। कॉन्स्पिरेसी आगे ठीक नाकाम है, हो जाएगा। ठीक हाँ है, षड्यंत्र रचा गया है महुआ देखिए, मोइत्रा मैंने के बड़े खिलाफ, वो शांति आरोप से लगा रहे हैं। तौसीफ की सारी बातों को सुना है। हाँ, मैंने
मैंने सारी बातें बड़ी शांति से सुनी है। इन्होंने कहा कैंगरू कोर्ट। याद है चित्रा जी, जब हम लोग टीएमसी में जो एसएससी स्कैम हुआ था बंगाल में, उसको डिबेट करते थे और पहाड़ मिला था, पैसों का पहाड़ मिला था पार्था के घर पे, तब भी ये वही कहते थे। और फिर पार्था को निकालना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने मुहर लगाई कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, तब भी ये मानने को तैयार थे। ये कहते हैं अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, मतलब क्या ममता बनर्जी अडानी के खिलाफ नहीं है? उन्होंने तो ताजपुर पोर्ट दे दिया और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अडानी को प्रोजेक्ट्स दिए, तो इतना करप्ट है तो क्यों दिया आपने? और उसको छोड़ देते। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो प्रेनीत कौर, ये तो कांग्रेस की सांसद है ना, कांग्रेस की सांसद ने वेंडेटा पॉलिटिक्स को नहीं, सपोर्ट उसने कर किया लिया, तो आप तो अपने है। गठबंधन का मामला देखिए। और चौथी बात देखिए, ये केवल क्विड प्रो को का नहीं है, प्लीज मैंने बीच में नहीं बोला। चित्रा जी, बोलिए बोलिए चित्रा जी बोलिए जो बोलिए। अभी सुजाता बोल रही थी वो बिल्कुल सही है। इंटरनल सिक्योरिटी का मैं आपको बहुत बड़ा एक प्रमाण देना चाहता हूं। इस पोर्टल पर ड्राफ्ट बिल्स जाते हैं, अपलोड होते हैं, जिसका एक्सेस किसी और व्यक्ति को किसी भी रूप में नहीं हो सकता। एक तो बिल मैं आपको बता सकता हूं, जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन का बिल, पर और बिल्स जो थे अपलोडेड वो सुनिए, फाइनेंस बिल, कंपनीज अमेंडमेंट बिल, चिटफंड बिल, टैक्सेशन लॉ बिल, मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, माइंस एंड मिनरल्स बिल, तो अगर ये इंसॉल्वेंसी एंड आईटी के बैंक्रप्सी कोड का वायोलेशन बिल, का केस है टैक्सेशन तो हम लॉ इसे का बिल, भ्रष्टाचार एनर्जी कैसे कह रहे कंजर्वेशन हैं? बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे बिल के ड्राफ्ट। प्लीज चित्रा ठीक है, जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, भाई मेरी बात आ जाने दीजिए। हाँ हाँ बोलिए ये बोलिए, बीच में कोई नहीं बोलने का बोल रहा है, क्या कोई नहीं तरीका है बोल भाई? रहा है आज शहजाद तक पे जी, बैठे हम अरे लोग। कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए बोलिए अपनी बात खत्म कीजिए। अनुराग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे बिल्स की जानकारी क्या चित्रा जी आपको है, क्या आपके चैनल को थी, क्या किसी और व्यक्ति को हो सकती है? ये सांसदों का विशेष अधिकार है ठीक और है, इसीलिए मैं सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट 2000 रेड अलोंग विद द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, एक ही लाइन, अलोंग विद द फैक्ट कि इसमें एक ही लाइन प्राइमा पे फेसाई अनुराग जी, क्विड प्रो एक ही को लाइन, जिसकी जांच सीबीआई एक ही करेगी, लाइन पे ये अनुराग सारे जी, एक मिला ही के इस लाइन पे पे। कार्रवाई हुई। अब अब मैं अनुराग जी, दूसरी अनुराग बात जी लाना तो चाहता बोले हूं, नहीं ये जा रहे, ईडी ठीक है सीबीआई ठीक है, वेंडेटा अब पॉलिटिक्स अनुराग कर जी रही को है, कार्यक्रम जो के ये आखिरी झारखंड हिस्से के में हम ऋषि जा ने रहे हैं। कह अनुराग रही जी है, की बात रह एक लाइन जाएगी, में बोल एक दीजिए, लाइन में एक लाइन बोलिए में फिर बोलिए अनुराग फिर जी, अनुराग जी। एक अरे लाइन, मैं एक आप ही ही बोलिए बोलिए अनुराग अनुराग भाई, भाई, आप आप ही ही बोलिए, बोलिए, एक एक ही ही लाइन, लाइन एक ही लाइन लाइन में है। अनुराग भाई, चित्रा जी माफी क्या चाहता हूँ तरीका है? ये ये आप इतना कार्यक्रम ये कार्यक्रम के आखिरी पूरा हिस्से में आपने है, मैंने कुछ कहा लोग अनुराग बिल्कुल भाई को नहीं बोल देना, मैं पाए, एक ही एक लाइन लाइन में बोलूंगा। बोलिए, एक लाइन में ये देश में पूरे अजूबा डिबेट में आप है बुलवा अनुराग भाई, एक ही लाइन, ये देश में बुलवा रहे अजूबा हैं, हो आप रहा है बुलवा रहे हैं वर्तमान सारे सरकार लोग, से। तो ये ये बिल की आप पूरे जानकारी डिबेट में सीक्रेट लगाया है, किसी क्या? को मालूम नहीं, हालांकि हम लेकिन लोग आप बोल टीवी रहे पे हैं, बोल नहीं रहे हो। अनुराग वाह भदौरिया वाह जी, वाह अनुराग वाह भदौरिया जी, अनुराग वाह भदौरिया जी, ठीक है ओके, वाह। अब अनुराग चित्रा भदौरिया जी जी को देखिए बोलने दीजिए, देखिए बस ठीक है। बोलिए अनुराग भाई, सॉरी। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सारी बुराइयां विपक्ष के अंदर नजर आ रही है, और अफसोस की बात है कि कुछ साथी लोग हैं जो आजकल चौथा स्तंभ बोला जाता है, उनको भी विपक्ष की बुराइयां नजर आ रही है। माने सत्ता पक्ष में कोई बुराई ही नहीं बची है, साफ सुथरा सत्ता पक्ष है। वो बुराई कर भी देते, हमारे महिला जो पहलवान है अत्याचार का आरोप लगा भी नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो साफ सुथरे हैं। चाहे उनका सांसद पार्लियामेंट में गाली दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरे हैं। उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, उनको लाके मंत्री बना देंगे, बोलेंगे कि इन पे हजारों करोड़ का करप्शन का चित्रा जी आरोप है, कहां से उनको लाके कहां जा मंत्री रही बना है, दे, हम लेकिन सीरियस कोई चर्चा बात कर नहीं, रहे हैं साफ एक सुथरे विषय हैं। पे कि क्या कर वो रहे हैं। चक्की पीसी वालों को लाके आप फिर मंत्री बना देंगे, लेकिन कहेंगे कोई बात नहीं, सब साफ सुथरे। कमाल का बात हो गया देश के अंदर में भाई, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आतुर रहती है, ये विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, हर चीज में कमियां निकाल के विपक्ष चित्रा को जी इसका दबाना जवाब दे चाहती है। देता हूं, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर रही है, ये अलोकतांत्रिक एक तरीके से कर वाक्य, रही है। जिस तरह का अत्याचार चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, जिस तरह से जिस कमेटी की रिपोर्ट में यहाँ पे तबाह तोड़ तरीके से एक सांसद को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, इसी तरह से बाहर अगर आप देखोगे इनके इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगता है तो उसमें एक वाक्य, उसको लंबा खींचा जाता है और कोई कार्रवाई देखने को मिलती नहीं है। इसके मतलब साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। वो चाहती नहीं कि इस देश के अंदर विपक्ष रहे। पार्लियामेंट में जो विपक्ष होता है, पार्लियामेंट की आत्मा होती है, आप पार्लियामेंट की आत्मा को मारने का काम कर रहे हैं। विपक्ष उतना ही विपक्ष का अधिकार है जितना सत्ता पक्ष का है, और आप विपक्ष के ऊपर हमलावर रहते हो, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, ये पूरे देश।